मशीन गन फायर्स मशीन गन की आम तौर से क्लाशन कोफ नाले से मशहूर है। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकंड, माना अगर अस नंबर ऑफ बुलेट्स लिखूं तो बुलेट्स केतरू आन, नंबर ऑफ बुलेट्स के एन से जाहिर क्यों पे दह। इन टारगेट इतने मानू भी खड़ी सको पर मानू खड़ा थोड़ी वायलेंस के जाहिर कर दो यार मानू के तो मारे भरू तो लफ्ज लिखूं था टारगेट। ईच बुलेट वेस 20 ग्राम, हाँ हर बुलेट जो मास क्या है, मास ऑफ ईच बुलेट वो एम के बराबर 20 ग्राम। हाँ दिसो बेटे एकड़ी बुलेट जो 20 ग्राम वजन आ, बुलेट जो 40 थी, टन जो 60 थी, तो टोटल एक सेकंड में घड़ी बुलेट्स पार जो थन 10, तो टोटल मास केतरो होंदो। नेट मास ऑफ बुलेट्स फायर्ड इन सेकंड, एक सेकंड में जेके बुलेट्स फायर थी थन उनके कैपिटल एन से जाहिर क्यों, यो बराबर होंदो एम एन एम एक बुलेट जो मास वो 20 ग्राम एन 10 हैं, तो टोटल 200 ग्राम, 200 ग्राम्स के अगर किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों तो 0.2 केजी ही जवाब मिलो जेके बुलेट्स असान फायर थन पे। अच्छा इनमें जो टाइम ड्यूरेशन बुधायल वो चाहे पे वने तो 1 सेकंड, एक सेकंड में मास भी मिलल वेलॉसिटी असो टाइम आ वो भी मिलल। ईच बुलेट वेस 20 ग्राम एंड हेड ए स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड, वेलॉसिटी ऑफ फायर्ड बुलेट, हाँ जो फायर्ड बुलेट है उनकी वेलॉसिटी शाह से लिखूं 20 से, वहां 1500 मीटर पर सेकंड। अच्छा फायर का अगर उनकी वेलॉसिटी शाह होंगी वह 0 होंगी, तो लिखूं इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बुलेट, उन इनिशियल के यू से जाहिर था क्यों इतने एंड दैट इज इक्वल टू 0। हाँ डेटा असं मिली समझने के लिए असं प्रॉब्लम के सपोर्ट करनी वो असं मिली चुकी। हाँ इनमें लिखूं फोर्स, यहां फोर्स है तो कैलकुलेट कराए, फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजिशन। तहां अगो सवाल कयो तो जैसे अस बुलेट फायर था क्यों गन से, तो जो गन आते रिकॉयल करी पे झटको दी, इन झटके के करे किरी सकूं था, धक लगी सके तो उनके फिक्स करने के लिए असेंगे पानी शोल्डर में फोर्स देना पवन, यो फोर्स दे कर उनके बिहानो पवन, तो केतरी फोर्स दीदास जारी गाल जेतरी गन असांजे शोल्डर पे फोर्स लगाईनी होनी असा भी रिस्पॉन्स में ओतरी फोर्स लगाईंदासोस। तो इहा फोर्स जेका डेटा मिली असांखे उन मुताबिक लिखी सकूं था चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन सेकंड लॉ के पढ़ो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो यहां जेका फोर्स है वहां इतने लिखण चाहो तो एम डेल्टा वी अपॉन टी, एम जो वैल्यू कैपिटल था इस्तेमाल क्यों छो तो इतने नेट मास खणो एंड डेल्टा वी में ये लिखूस वी माइनस यू, वी माना फाइनल वेलॉसिटी, यू माना इनिशियल वेलॉसिटी एंड अपॉन में टाइम। तो फोर्स के लिए है फार्मूला थी नो बेटा फोर्स के कैलकुलेट करने के लिए, हाँ इनमें मास तहां लिखो 0.2, वेलॉसिटी फाइनल 1500, इनिशियल 0 एंड टाइम 1 सेकंड, 1500 के 0.2 से मल्टीप्लाई कर तो 300 न्यूटन या फोर्स लगानी पवंदी। हाँ बुलेट्स भी अगते फायर थी थन असेंगे फोर्स भी अगते लगानी पवंदी, इन के करे या फोर्स पॉजिटिव आई नेगेटिव ना आई, पर इतने सवाल हो जाए फोर्स एग्जर्टेड बाय गन ऑन द शोल्डर तो नेगेटिव मिले छो तो वेलॉसिटी अगेन तरफ होंगी एंड गन पे रिकॉयल करी है, तो रिकॉयल करने वक्त असि शोल्डर के पोई तरफ फोर्स लगाईंदी, असा उन रिस्पॉन्स में फोर्स कर लगा जैसे पार्टिकल की वेलॉसिटी है बुलेट की वेलॉसिटी है।